विपुल विकल बिलो की बय देही और निमिष विहात कलप सम देही। भगवान देख रहे हैं माता जानकी की वो स्थिति है कि जैसे होता है ना कि भाई जल्दी उठा लो वरना हार्ट अटैक आ जाएगा, आप तो इतनी दूर इतनी देर क्यों कर रहे हो, उठाओ फैसला करो न मर ना जाए, हम मर जाएंगे उसके बाद उठा पाएंगे क्या आप धनुष, हम चिंता में, हमें कितनी चिंता है कितना डर है, अब आपको मजा आ रहा है धीरे धीरे चलने में, हाथी की चाल आप चले जा रहे हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब मर ही जाएंगे तब धनुष उठाओगे क्या, समऊ चुके पुनि का पचिताने त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुहे करे का सुधा तड़ागा। जब व्यक्ति प्यास से मर जाएगा तो बाद में उसको अमृत पिला के क्या देंगे, अब गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा और अति लांघव उठाई धनु लीन्हा लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाड़े और ते ही छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान श्री राम ने माताओं बंधुओं जैसे कमल की डंडी हाथी निकालता है बिना प्रयास के, वैसे धनुष को उठाया और उठा के जैसे ही तोड़ा तो भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तजी मारग चले चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही कोल कुरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने। इतनी भयंकर टंकार हुई है, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही, कहां से आवाज आई, बोले को दंड खंडे उराम तुलसी जयति बचन उचार ही। तो माताओं बंधु भगवान शंकर भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और जितना था ना सियकर सोच जनक पछतावा रानिन कर दुख दारुण दुख दावा वो सब शंकर चाप जहाज। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। माताओं बंधुओं आप लोगों ने एक जहाज सुना होगा टाइटैनिक जो कभी डूबेगा नहीं, ये शर्त लगाई थी, इस शर्त पे बना था टाइटैनिक, उसी प्रकार ये धनुष भी टाइटैनिक ही था जो उठेगा नहीं सबने सोचा था, शंकर चाप जहाज। लेकिन सागर रघुबर बाहुबल, जैसे इस अपार समुद्र में ऐसे न जाने कितने टाइटैनिक डूब जाएंगे, वैसे बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जे प्रथम ही मोह बस। भगवान श्री राम के अपार सागर रूपी भुजाओं में ये धनुष टाइटैनिक रूप धनुष टूट गया। माला लेके माता जानकी खड़ी हैं, भगवान श्री राम खड़े हैं, जयमाल भी हो जाए ताकि कल से अयोध्या कांड प्रारंभ हो। माताओं बंधुओं अब हुआ क्या कि एक तरफ माता जानकी खड़ी है, दूसरी तरफ प्रभु श्री राम खड़े। माता जानकी थोड़ी कद में छोटी, राम जी कद में थोड़े ऊंचे, तो सखियों ने कहा अरे प्रभु हमारी जानकी जी को जयमाल पहनानी, थोड़ा झुकी है ना, जयमाल कैसे पहनाएंगी। तो राम जी बेचारे सीधे से झुकने को हुए, तब तक लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा प्रभु झुकने की जरूरत नहीं है, यदि आज झुक गए तो जीवन भर झुकना रहेगा, आप अकड़ के खड़े रहिए बिल्कुल, कोई झुकने की जरूरत नहीं। तो राम जी ने सुना तो और तन के खड़े हो गए वो। तो माता जानकी ने सोचा ऐसे तो जयमाल हो गई कैसे पहनाएंगे, तो सखियां भी देख रही, तो सखियों ने कहा ऐसा है सखी कि अब धनुष तो टूट गया और जयमाल ये पहनाने के लिए अकड़े हुए खड़े हैं, तो ऐसा करो कि हम लोग गाना गाओ। हम लोग कहते हैं गाए गाए ब्याह हो गया, ध्यान दीजिएगा, कहा गाना गाओ ब्याह तो हो जाएगा। अब सारी सखियां जो हैं माता जानकी लेके जयमाल खड़ी हैं और सब गा रहे हैं कि गावे ही छवि अब लो की सहेली कि सिय जयमाल राम और मेली। वाह जयमाल पहना दी है जानकी जी ने, गावे ही छवि अब लो की सहेली कि सिय जयमाल राम और मेली। तो एक ने गाया, दो ने गाया, चार ने गाया, देखते देखते जितनी भीड़ वहां थी ना सब गाने लग गई, सिय जयमाल राम और मेली सिय जयमाल। तो अब जब सभी भीड़ गाने लग गई तो राम जी को लगा कि मैं तो खड़ा हूं तन के और ये सारे लोग गा रहे हैं कि राम और जयमाल मेली, अरे भाई कब मेली, अब भीड़ पूरी गा रही है राम और मेली सिय जयमाल। तो जैसे कौवा कान ले गया वाली बात है ना,
तो प्रभु श्री राम को लगा कि ऐसा तो नहीं कि हमने ध्यान ना दिया हो और जयमाल मेल दी हो, तो सोचा लाओ जरा चेक करने कि मेली कि नहीं मेली। तो ये देखने के लिए जैसे ही उन्होंने गर्दन झुकाई तैसे ही सी जयमाल रामोर मेली, सी जयमाल रामोर मेली गाव ही छवि अवलो की सहेली। तो माताओं बंधुओं, भगवान श्री राम और माता जानकी वरमाल पहन चुके हैं, अभी सुंदर परशुराम जी महाराज का आगमन होगा, इसके बाद दिव्य देवताओं के बीच में चारों बंधुओं का विवाह होगा। परिवार के लिए संजीवनी बूटी है अयोध्या कांड, ध्यान दीजिएगा। रामचरित मानस में अयोध्या कांड भाई माता पिता सास ससुर बहू सबके लिए संजीवनी बूटी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या हो, सनातन धर्म की जय हो, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज की जय हो, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, समस्त संत गणों की जय हो, समस्त भक्त गणों की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हम और आप यहाँ नौ दिवसीय श्री राम कथा का रसपान कर पा रहे हैं। इससे पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण का भी आप लोगों ने श्रवण किया। माताओं बंधुओं, तत्पश्चात परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज एवं जिनके शिविर में अनवरत सत्संग कथा भंडारा भोजन इत्यादि चलता रहता है, उनको नमो नारायण करते हैं। तत्पश्चात समस्त संगीत पर विराजमान विद्वान जन जो बहुत सुंदर नारायण पारायण का पाठ करते हैं, तत्पश्चात भजन से भी आप लोगों को भगवत भक्ति की तरफ लगाते हैं। माताओं बंधुओं एवं आप सब पधारे हुए राम कथा के रसिक श्रोताओं दूर दूर स्थानों से आए हुए, कल हम लोगों ने भगवान श्री राम के विवाह के प्रसंग पर दृष्टि डाली। माता जानकी और भगवान श्री राम का विवाह हुआ, परशुराम जी महाराज आए, परशुराम जी महाराज से कुछ विवाद हुआ, वाद हुआ, विवाद हुआ, संवाद नहीं हुआ बस, क्योंकि संवाद दो लोगों के बीच में होता है, तो ये हुआ। तत्पश्चात फिर विधि पूर्वक चारों भाइयों का विवाह हुआ। चक्रवर्ती सम्राट चारों भाइयों को लेकर के और चारों बहुओं को लेकर के अयोध्या धाम पधारे। बालकांड केति यही होती है, ऋषि आगमन कहे से पुनि श्री रघुवीर विवाह, श्री रघुवीर विवाह पे इति होती है, विराम होता है बालकांड।
अयोध्या कांड हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं आज से। और माताओं बंधुओं, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, रामचरितमानस में अयोध्या कांड परिवार के लिए संजीवनी बूटी है, घर परिवार के लिए। व्यवहारिक दृष्टि से अयोध्या कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए और भगवान की प्राप्ति तो होती ही है। तो गोस्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं, जब ते राम ब्याही घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। रूपक बांधा गोस्वामी जी ने, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ पर सही सुख भारी। देखिए जिस प्रकार से अभी वर्षा हो रही है ना माताओं बंधुओं, उसी प्रकार से अयोध्या धाम में भी वर्षा हो रही थी। किनकी वर्षा हो रही थी? सुकृत रूपी मेघ सुख रूपी वर्षा कर रहे थे। आपको सुख मिलेगा सदैव पुण्य करने से, धर्म करने से, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि वशिष्ठ जी महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट से कह ही दिया था कि तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहि जाय शुभाए। तो वही धर्मशील राजा आज क्या देखते हैं कि सुकृत मेघ पर सही सुख भारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, और मनहु उमगि मनहु अवध अम्बुधि कहुं आई। और जैसे जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नहीं, उसी प्रकार रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्तियां चली आ रही हैं अयोध्या रूपी सिंधु में मिलने। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम वहां विराजमान हैं, चक्रवर्ती सम्राट धर्मशील हैं। तो जितने भी लोग अयोध्या धाम के हैं, मुदित मातु सब सखी सहेली, और फलित बिलोकी मनोरथ बेली, सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेश। जितने भी अयोध्यावासी हैं ना माताओं बंधुओं, अपने हृदय में अभिलाषा कर रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट से ऐसा कहना मर्यादा के खिलाफ होगा। क्या क्या मना रहे हैं सब लोग अपने हृदय में कि आप अछत जुब राजपुर राम ही दे नरेश, आप अछत जुब राजपद राम ही दे नरेश, स्वयं दे दे, किसी को कहने की आवश्यकता ना पड़े, अपने मन से भगवान श्री राम को राज अभिषेक कर दिया जाए। हे महादेव, ऐसी प्रेरणा चक्रवर्ती चक्रवर्ती सम्राट के हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दीजिए कि वो भगवान श्री राम को राज अभिषेक दे दे, राज अभिषेक कर दे। घटना आती है माताओं बंधुओं, एक बार क्या होता है, राजा जी बैठे हुए हैं अपने दरबार में और सारे दरबारी और भी राजाएं हैं जो उनके दरबार में चर्चा कर रहे हैं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। एक समय सब सहित समा जा और राज सभा रघुराज विराजा। सारे राजा बैठे हुए हैं और सारे राजा पहले तो चक्रवर्ती सम्राट की जय जयकार कर रहे हैं, जय हो चक्रवर्ती सम्राट, आप जैसा और कौन। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरी भाग दशरथ सम नाही, कोई है ही नहीं तीनों लोकों में, तीनों कालों में। अरे चक्रवर्ती सम्राट, आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। सारे राजा चक्रवर्ती सम्राट की तरफ देख रहे हैं, नृप सब रहे कृपा अभिलाखे और लोक कप कर रही प्रीति रुखता के। बहुत सुंदर सूत्र दिया गोस्वामी जी ने, बहुत सुंदर सूत्र दिया माताओं बंधुओं। राजा को कैसा होना चाहिए, मुखिया को कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। राजा जी बैठे हैं, बाकी सब राजा मंत्री सेनापति प्रजा सब लोग बैठे हैं और सब लोग राजा जी की ओर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि काश राजा जी एक बार हमारी तरफ भी देख ले, राजा जी की दृष्टि केवल एक बार हमारी ओर पड़ जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा बैठना यहां आना सफल हो जाएगा। वहीं बैठे हैं राजा जी और वहीं बैठे हैं सारे राजा और प्रजा, सारे सचिव मंत्री सेनापति, और सब इस टटकी को लगाए के बैठे हैं कि राजा जी की निगाह हमसे मिल जाए, हमें देख ले। ये तो हुए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी।
और एक राजा और भी हुए जिनके दरबार में लोग बैठे हैं। माताओं बंधुओं, आप में से हो सकता है कोई टीचर भी यहाँ बैठा हो, और टीचर नहीं बैठा तो स्टूडेंट तो बैठे ही हैं, सब कभी ना कभी तो सब पढ़े ही हैं। हमारे सबके स्कूल में कॉलेजेस में ऐसे टीचर अवश्य हुआ करते थे। ध्यान दीजिए, कुछ टीचर ऐसे होते थे कि हम लोग अपने 40 मिनट आधे घंटे को सोचते थे कि कितने जल्दी बीत जाए, उनकी नजर हम पर ना पड़े, उनकी निगाह ना पड़े और वो चले जाएं, नहीं देखेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, उनको अपशब्द ही कहना है। कई ऐसे होते थे, और कई ऐसे टीचर भी आते थे जो इच्छा होती थी कि हमसे भी कुछ पूछ ले, हमसे भी नमस्कार हो जाए, हमारा भी नाम ले ले। कहने का अर्थ है, बात टीचर की ही नहीं है, बात हम सबकी है। हम सब लोगों के इर्द गिर्द हमारी ऐसी प्रजा मान लीजिए, हमारे संबंधी मान लीजिए, हमारे मित्रगण मान लीजिए, हमारे जान पहचान वाले मान लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हम लोग सोचते हैं कि वो मिले नहीं तो अच्छा है। हम लोग जा रहे हैं पार्टी में लेकिन उनसे ना भेंट हो, हम लोग जा रहे हैं कुंभ का दर्शन करने लेकिन वो ना टकरा जाए। और कुछ लोग होते हैं कि जिनको ढूंढने ही हम जाते हैं कि वो क्यों नहीं मिल रहे, वो क्यों नहीं दिखे, वहां वो कहां चले गए। तो आपको किस श्रेणी में आना है, ये हमको आपको तय करना है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब सोच रहे हैं कि उनको देख ले, एक दूसरे राजा भी हैं। कौन? कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, और भृकुटी बिलोकत सकल सभीता। दूसरे राजा हैं जिनकी भृकुटी को सब लोग ताक रहे हैं, कृपा को नहीं ताक रहे हैं, भृकुटी को ताक रहे हैं कि किसकी तरफ उनकी भृकुटी टेढ़ी ना हो जाए, किसकी तरफ देख ना ले वो। तो ऐसा स्वभाव हमको आपको नहीं रखना है। यहाँ नृप सब रही कृपा अभिलाखे, और लोकप करही प्रीति रुख ताके। जय हो राजा की, जय जयकार हो राजा की, जय जयकार हो। माताओं बंधुओं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि सब लोग तो कर रहे थे जय जयकार, इतने में क्या किया कि चक्रवर्ती सम्राट ने उठाया शीशा, अपने जेब से निकाला या झोले से निकाला या जो भी रखते होंगे वो यहाँ पे भी, उन्होंने निकाला शीशा, और शीशा निकाल के वो देखने लग गए, चेहरे की ओर देखने लग गए। आप लोग एक बात बताइए माताओं बंधु, मैं बड़ी व्यवहारिक बात कह रहा हूं, और मैं प्रयास यही नहीं सदैव करता हूं कि मैं रामचरितमानस को आप तक वैसे पहुंचा सकूं जो आपके हृदय में चली जाए, जो बात आपको समझ में आ जाए सरलतम तरीके से। ये ग्रंथ जीवन जीने की कला सिखाता है, तो इसलिए मैं बहुत सरल तरीके से व्यवहारिक बात बताता हूं। आप लोग ध्यान दीजिए, भाई हमारे भैया लोग हैं, भैया लोग जाते हैं पान की दुकान पे, तो पान की दुकान पे जब जाते हैं तो पान की दुकान पे पीछे एक शीशा लगा होता है, 90-95% पान की दुकान पे। तो जब जाते हैं, सुपारी दे दो, खैनी दे दो, गुटखा दे दो, पान दे दो, बीड़ी दे दो, तो वही जो पीछे शीशा होता है ना, उसी शीशे में अपना चेहरा देख लेते हैं एक मिनट के लिए, और जो बाल बाल ठीक करना होता है, जो थोड़ा सा लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, वो सही कर लेते हैं मौका देख करके, शीशा लेके नहीं घूमते। और रही माताओं की बात, तो हमारी माताएं भी शीशा लेके तो घूमती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं पे भी बैठे हैं सब संतों के बीच में, महात्माओं के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में, सम्माननीय लोगों के बीच में, और निकाल के शीशा देखने लग जाएंगे। आप बताइए, अरे भाई आजकल तो दुकानें, चाहे वो होटल मान लीजिए, चाहे हॉस्पिटल मान लीजिए, और चाहे बहुत ऐसे शॉपिंग मॉल होते हैं जिसमें दरवाजे लगे होते हैं, जिन दरवाजों में दरवाजे शीशे की तरह होते हैं, कांच रहता है और बाहर से वो शीशा रहता है। तो आप लोग गौर करते होंगे कि माताएं बहनें जो रहती हैं उसी में चलते वलते अपने आप को थोड़ा सा फिट भी कर लेती हैं, और कोई पता भी ना पड़ पाए किसी को मौका देख के। अरे क्या आवश्यकता है मौका देखने की, खड़े हो जाओ, निकाल लो कंघी, करने लग जाओ, किसने मना किया है आपको? क्यों मौका देख के करती हैं चोरी छुपे धीरे से? वो इसलिए देखती हैं, या भैया लोग चुपके से पान की दुकान में इसलिए बाल सवारते हैं, क्योंकि ऐसे शीशा देखना कोई बहुत मर्यादित बात नहीं होती है, कोई अच्छी बात नहीं होती है कि आप अपने आप को सवार रहे हैं। तो
जब मर्यादित बात नहीं होती है तो चक्रवर्ती सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताजी और वो भारी सभा में शीशा निकाल लिए और शीशा निकाल के चेहरा देखने लग गए। ये कैसी बात हुई भला, आप बताइए क्या कारण है? कि कारण एक उदाहरण से आप समझेंगे, बहुत छोटा सा उदाहरण है। माताओं बंधुओं, गुजरात की कथा है वैसे तो ये, कि एक मच्छर का बेटा था और मच्छर का बेटा लगा उड़ने, तो उड़ के जब वापस आया तो माता ने डांटा कि बाहर क्यों चले गए थे बिना बताए, जैसे माता डांटती है बच्चों को कि बाहर सड़क पे क्यों चले गए थे, बाहर क्यों चले गए थे। तो मच्छर का बेटा जब पलट के आया तो उसने कहा कि माता मैं, आप गुस्सा हो रही, मैं उड़ना सीख गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा उड़ना आता है। तो माता ने कहा आपको कैसे पता पड़ा? तो उन्होंने कहा ऐसे पता पड़ा कि जब मैं उड़ रहा था तो लोग ताली बजा रहे थे मुझे देख करके, मेरे उड़ने को देख करके मेरी प्रशंसा में ताली बजा रहे थे, मैं समझ गया कि मैं उड़ना सीख गया हूँ। दरअसल माताओं बंधुओं, वो ताली नहीं बजा रहे थे, वो उसको मारने का प्रयास कर रहे थे, वो मच्छर के बेटे को मारने का प्रयास कर रहे थे। कहने का अर्थ है जब ज्यादा प्रशंसा होने लग जाए ना मुंह पर, ज्यादा आपकी तारीफ मुंह पर होने लग जाए तो समझ जाइएगा कि अब आत्म अवलोकन का समय आ गया, अब शीशा देखने का समय आ गया है। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, कि सब लोग झूठे ही तारीफ किए जा रहे हैं। यही चक्रवर्ती सम्राट जब चारों तरफ से देख रहे हैं, राजा की जय हो, राजा की जय जयकार हो, राजा जैसा कोई नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी राय सुभाय मुकुर कर लीना, शीशा देखना प्रारंभ कर दिया। ये शीशा वो शीशा नहीं है, ये शीशा है अपने आप को। हम लोग कहते हैं ना अपने आप को जरा आईने में देखो तब समझ में आएगा, खुद को कभी आईने में देखकर समझोगे, खुद को भी देख लो। राय सुभाय मुकुर कर लीना, तब तक क्या देखते हैं, देखते हैं मुकुट तो टेढ़ा हो गया है। अरे अयोध्या जी का राज चक्रवर्ती सम्राट का जो मुकुट है अब वो सिर पे ढंग से संभल नहीं रहा है, ढीला हो गया है, जो पहले फिट रहता था वो टेढ़ा हो गया है, गिरने जैसा हो गया है। भाई मुकुट एक तरफ जाके फिर गिर जाएगा और क्या होगा, तो मुकुट सिर पे संभल नहीं रहा है, टेढ़ा हो गया है। तो क्या किया उन्होंने, मुकुट को तुरंत सीधा कर लिया, राय सुभाय मुकुर कर लीना, तो बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, मुकुट को सम कर लिया। तब तक पीछे से आवाज आई कि राजा जी और कितने दिन तक मुकुट सीधा करोगे, कब तक संभालोगे, अब ये संभलने वाला नहीं है, जितना संभालना था संभल गया, अब ये मुकुट किसी और सिर को चाहता है। भाई रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को चाहिए कि युवाओं को मौका दे, अवसर दे। पीछे से आवाज आती है, राजा साहब अब हो गया, अब किसी और को मौका दीजिए, मुकुट टेढ़ा हो रहा है, कितनी बार संभालेंगे, दिन में 25 बार थोड़ी संभाला जाएगा, इसका मतलब है अब ये आपके लिए नहीं है, बदन बिलो की मुकुट समकीना। तो कौन उपदेश दे रहा जानते हैं, श्रवण समीप भय सित केसा, बालों में जो सफेदी आ गई है, चौथे पन की सफेदी है, ये कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं चक्रवर्ती सम्राट ने, आयु की सफेदी है, ये उम्र की सफेदी है, वही सफेद सफेद बाल कहते हैं, राजा जी हमारी तरफ भी निगाह करिए, मुकुट से थोड़ा सा नीचे भी झांकिए, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, किन्रप जुबराज राम कह देहु। अब दे दीजिए, अब राम जी का समय आ गया है, जीवन जन्म लाह किन लेहु, राम जी को दे दीजिए अब समय आ गया है। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा वाह क्या बात है, ये तो ये विचार तो इससे उत्तम तो कोई विचार हो ही नहीं सकता। तो यह विचार उर्वानी नृप सुदिन सुअवसर पाई, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही उपदेश आया ना
सफेद बालों का, तो ऐसा नहीं हुआ कि दौड़ के चले गए गुरुजी के पास। होता क्या है कि जब कोई चिंता होती है ना, जब कोई दुख होता है, तब तो हम चले जाते हैं एक झटके में गुरुजी के पास, एक झटके में उनके पास जिनसे निदान होना है। ध्यान दीजिए, जिनसे काम होना है, फिर इंतजार नहीं करते हम। जब चिंता होती है, कष्ट होता है, तो जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो गुरु ग्रह गयो तुरंत वहीं पाला, तुरंत चले गए थे तब। लेकिन आज आज एक शुभ कार्य करना है, तो शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखा जाता है, बिना मुहूर्त के शुभ कार्य नहीं किया जाता हमारे यहाँ। तो शुभ कार्य है राम जी का राजाभिषेक, लेकिन ये तो बाद का शुभ कार्य है। पहले तो शुभ कार्य यह है कि राम जी के राज अभिषेक की चर्चा हो जाए, प्रस्तावना बन जाए, ये ज्यादा शुभ कार्य है। तो राजा जी ने सोचा कि ऐसा है, ये भी देख लिया जाए कि गुरु जी कभी व्यस्त तो नहीं है, कभी उनका कोई चिंता तो नहीं है, मूड तो नहीं खराब है, कहीं गए तो नहीं है। जब देख लिया कि सारी चीजें अनुकूल हैं, गुरु जी बिल्कुल प्रसन्न भी हैं, अच्छे भी हैं, घर में भी हैं, तो यह बिचारी उरानी नृप सुदिन सुमंगल सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तनु मुदित मन गुरु ही सुनाय जाए। तो चले गए गुरु जी के पास, गुरु जी के पास चले गए। गुरु जी से कहते हैं, कहीं भुवाल सुनहु मुनि नायक, अरे भये राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरि मित्र उदासी। राजा जी कितनी सुंदर बात कही, देखिए चक्रवर्ती सम्राट ने। माताओं बंधुओं, चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, गुरुजी चाहे सेवक हो, चाहे सचिव हो, चाहे पुरवासी हो, इतने लोग तो हमको भी प्रेम करते हैं, लेकिन जे हमार अरि मित्र और उदासी, माने जो हमारे शत्रु हैं ना और जो हमारे मित्र हैं, उदासी माने जो शत्रु भी हैं ना है और ना मित्र है, उदासी। एक शायर ने कहा है, ना दोस्तों की तरह है ना दुश्मनों की तरह, ये कौन लोग सफेद दोस्ता में आने लगे। माने सफेद दोस्ता माने दोस्तों की कतार। तो कहने का अर्थ है, उदासी लोग वो होते हैं। उदासी आप लोगों को पहचानना हो तो आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट है ना, नंबर जितने फीड है, उनमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितने उदासी हैं। भाई जिनका नंबर तो फीड है, लेकिन ना सुख में आप उनको फोन कर सकते हैं, ना दुख में आप उनको फोन कर सकते हैं, नंबर जरूर फीड है उनका, तो वो उदासी लोग हैं, जो ना आपके मित्र हैं ना शत्रु हैं। तो राजा जी कहते हैं कि जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे शत्रु हैं, और जो हमारे ना मित्र हैं ना शत्रु हैं, उन सबको भी सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि। उन सबको राम जी उतने ही प्रिय हैं जितने मुझे प्रिय हैं। राम से तो किसी की दुश्मनी ही नहीं है।